विनोद खन्ना अभिनेता कौन मोनस बन गया और उसकी मर्सिडीज बिक गया। अभिनेता विनोद खन्ना 27 अप्रैल 2017 को कैंसर से लड़ने के बाद की मृत्यु के बाद मृत्यु हो गई थी। इस लेख फिल्म समीक्षक भवन सुमाया के द्वारा द क्विंट के अभिलेखागार से अनुभवी अभिनेता के शानदार करियर के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में पोस्ट किया जा रहा है। किंवदंती यह है कि जब सुनील दत्त ने पहली बार विनोद खन्ना को देखा तो वह जवान आदमी के साथ मुग्ध हो गया क्योंकि वह पेशावर वर्तमान दिवस पाकिस्तान से थे। दत्त ने खन्ना और उनके छोटे भाई सोम दत्त को अपने घर के उत्पादन में मैन के मिट 1968 में लॉन्च करने का फैसला किया। शुरू में विनोद खन्ना सिर्फ एक अच्छा दिखाना खाल नायक था, लेकिन उनकी ठोस स्क्रीन की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती थी कि उनकी भूमिका सकारात्मक या नकारात्मक थी या नहीं। वह अपनी सारी फिल्मों में देखा गया था। यह मनोज कुमार या एन मिले सजना और राजेश खन्ना 1970 के साथ सचा जुट के साथ पूर्व और पश्चिम थे। वर्ष 1997 में खन्ना के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 3 फिल्मों में उन्हें 3 अलग अलग अवतारों में पेश किया गया। सुनील दत्त के रेशमा और शिरा, जिसमें अमिताभ बच्चन, गुलजार की मीर अपने की भी शुरुआत की, जिसने उन्हें एक अभिनेता और राज खोसला के डकैत नाटक मेरा गांव मेरा देश के रूप में परिभाषित किया, जहां उन्होंने सुनील दत्त और धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन स्थान साझा किया। व्यक्तिगत मोर्चे पर विनोद खन्ना ने अपने बचपन की प्रिय गीतांजलि से शादी की। दोनों के पास 2 पुत्र अक्षय और राहुल खन्ना थे। 70 के दशक में मल्टी स्टार फिल्मों में से एक था और विनोद खन्ना एक प्रमुख खिलाड़ी थे जो अमिताभ बच्चन और अन्य कलाकारों के साथ मिल रहा था। उन्होंने हाथ की सफी में रणधीर कपूर के साथ काम किया और अमिताभ बच्चन, खून पसीना, प्रवेश और अमर अकबर एंथनी में काम किया। जब मैंने 1978 में पहली बार विनोद खन्ना से मुलाकात की तो वह पहले से ही ओशो रजनीश में थे। वह एक नारंगी काफन और शूटिंग के लिए एक मन के माला पहना था। वह स्टूडियो के चारों ओर चले और उनके सेट ने एक नारंगी कपड़े बैग के साथ अपने कंधे के चारों ओर लगी शॉट तैयार होने तक वह अपनी पोशाक में आने में विलंब करेगा। इस चरण के दौरान मैंने उसे कई बार मुलाकात की, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस सवाल से पूछा। उन्होंने रजनीश के दर्शन के जवाब के बारे में बताया। जब मुंबई में तब बॉम्बे, वे सोमवार से शुक्रवार तक गोली मार दी। पैकअप के बाद उन्होंने पुनः को सप्ताहांत में रजनीश के साथ खर्च करने के लिए चले गए। निर्माता रजनीश के साथ अपने जुनून के बारे में चिंतित थे, लेकिन विनोद खन्ना उनके आसपास के प्रति उदासीन तरीके से उदासीन थे। जैसे ही महीनों चले गए, काम में उनकी उदासीनता अधिक स्पष्ट हो गई और फिर अपरिहार्य हुआ। रजनीश की पुनः रिजॉर्ट में कुछ समस्या थी क्योंकि ओशो ने ओरेगन के लिए रात भर स्थानांतरित कर दिया था और चाहते थे कि उनके पसंदीदा शिष्य विनोद खन्ना उनके पीछे आ जाएं। यह 1980 में था। एक समय था जब विनोद खन्ना राष्ट्र की प्यारी थी, द बनन ट्रेन का एक्शन हीरो और बहुत लोकप्रिय कुर्बानी के दिल को तोड़ने वाला था। क्या विनोद खन्ना ने अपने गुरु के लिए अपना करियर खड़ा किया? जब समाचार पहले हमारे कानों तक पहुँचे, कोई भी गंभीरता से नहीं ले गया और एक अजीब अफवाह के रूप में खारिज कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन चला गया, निर्देशकों ने विश्वास किया कि खन्ना ने अपनी सभी नई परियोजनाओं को अनिश्चित काल तक रोक दिया था। निर्माता ने पुष्टि की कि विनोद खन्ना हस्ताक्षर राशि वापस कर रहे थे। यह गंभीर था। उनके सह सितारों को चिंतित कर दिया गया और उनके वितरक गुस्से में थे। मीडिया जानना चाहता था कि क्या चल रहा था। आखिरकार अपने प्रबंधक तब से सचिव की सलाह पर विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। यह स्थल नव शुरू की गई सेंटर आज टूलिप स्टार होटल था। उनकी पहली पत्नी गीतांजलि और उनके बेटे सम्मेलन का हिस्सा थे। उन दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर पर आज के रूप में नहीं थे। विनोद खन्ना की रचना से सब कुछ आश्चर्यचकित था। उन्होंने किसी भी बड़े भाषण नहीं किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वे फिल्म छोड़ने और बेस को पाटने और अपने दिल का पालन करना चाहते हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि उनके बगल में बैठे अपने फैसले का समर्थन करते थे। अगले हफ्तों में
विनोद खन्ना ओरेगन के लिए रवाना हुए। अगर कहानियों पर विश्वास किया जाए तो वह एक सक्षम माली में रजनीशपुरम आश्रम में परिवर्तित हो गया। हर सुबह उन्होंने उठकर पौधों को पानी पिलाया और फूलों पर गाया। अपने वर्षों के दौरान विनोद खन्ना ने शायद ही भारत का दौरा किया। मीडिया ने 1985 में अपने तलाक की खबर तक उसके साथ संपर्क खो दिया था। अपने लंबे निर्वासन के बाद विनोद खन्ना पहली बार एक सफेद दाढ़ी के साथ एक लोकप्रिय पत्रिका के कवर पर देखा गया। यह फिल्म उद्योग के लिए एक संकेत था कि उधमपुत्र बेटा लौट आया था और उत्पादक अपने घर के बाहर कतार में चिपक गए थे। उनकी आध्यात्मिक रिलीज के बाद उनकी पहली रिलीज मुकुल आनंद की निर्देशित इंसाफ थी, जिसमें डिंपल कपाडिया की भूमिका निभाई थी। फिरोज खान के द वैन के बाद आकर्षक अभिनेता एक ब्रांड सिंथल का समर्थन करने वाले अभिनेताओं की पहली फसल में शामिल था। यश चोपड़ा ने उन्हें चांदनी के लिए हस्ताक्षर किया, जबकि महेश भट्ट ने उन्हें जुर्म के लिए नियुक्त किया। 90 के दशक में उन्हें एक पेशेवर गिरावट का अनुभव मिला, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर खन्ना ने कविता को अपनी शादी की घोषणा की। 1997 में उन्होंने अपने बेटे अक्षय खन्ना को अपने घर के उत्पादन हिमालय पुत्र में शुरू किया। फिल्म तले हुए वर्ष 1997 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने और गुरदासपुर विधानसभा क्षेत्र पुंज से जीत हासिल हुई।